कटनी कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। जिले का तीसरा संक्रमित मुंबई निवासी अपनी ससुराल कटनी आए एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होने पर जिला अस्पताल कटनी में 15 दिन तक उपचार और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद पूर्ण स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। इस प्रकार अब तक जिला अस्पताल कटनी से 3 कोरोना पॉजिटिव को उपचारित कर पूर्ण स्वस्थ होने के बाद उनके घर भेजा गया है। संवाददाता हीरा विश्वकर्मा। ये बताइए कि जब से आपने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हुए हैं उसके बाद से आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो आपको आयुष विभाग के द्वारा आरोग्य कषाय काढ़े का सेवन किया जा रहा था, दे दिया जा रहा था, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सर बहुत बढ़िया था और जीवन के लिए बिल्कुल लाभकारी है और सभी को निरंतर उसका उपयोग करना चाहिए। और उसको स्वास्थ्य का आपको कुछ चेंजेस? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मेरा मेरे है ना। जो सुबह और शाम मैंने सेवन किया उसका और बढ़िया आपकी सेवा रही उसमें, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। जी जी सर, चलिए ठीक है ना। ओके, ये दवाइयाँ दे रहा है जी। जी सर, आज 19 तारीख को हम लोगों ने अपने जिला चिकित्सालय से तीसरे कोरोना विजेता को विदाई दी है। जो पहली हमारी केस थी बेटी एक, उसके पिता भी कोरोना संक्रमित थे और जब बेटी की विदाई होना थी उस समय पे भी उनको यानी छुट्टी की जाना थी, लेकिन उनका टेस्ट फिर से पॉजिटिव आने के कारण हमने उनको रोका था और वो अब नेगेटिव टेस्ट आ गया है और उनको आज हम लोगों ने विदाई दी है। वो 7 दिन घर में और उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है और उसके बाद फिर वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे। सर क्या इंस्ट्रक्शन दी गई उनको यहाँ से जाने के बाद? वो अपने घर में ही अपने आप को एक कमरे में रखें और एक हफ्ते तक यानि बाहर घूमना फिरना और ये सब गतिविधियों से पूरी तरह से परहेज करेंगे। सर एक कोरोना पॉजिटिव कल बाकल में भी? हाँ वो है और वो भर्ती हैं और महिला आई हैं और लकीली यानी उनको कोई ऐसे बड़े लक्षण नहीं हैं तो पॉजिटिव हैं। हम उनका उपचार करेंगे और ईश्वर ने चाहा तो 10 दिन बाद उनके संक्रमण में आए कुछ लोग और भी होंगे? नहीं वो तो ऑलरेडी है ना, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो हैं अभी बाकल ही गए हैं जी जी। और वहाँ पर वो पूरी टीम जो है रेवेन्यू की, पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की, ये टीम पूरे एरिए को स्कैन करेगी और कितने लोग हैं कांटेक्ट उनको ढूंढेगी। तो अभी ये बहुत अर्ली है कि कितने कांटेक्ट होंगे कितने नहीं होंगे, है ना।